वन वेलकम टू सेवन लर्नर्स माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और जो आज का टॉपिक है ना यहाँ पे हम रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज़ ऑफ 2021 कितना साइट्स है हमारे पास जो so, टोटल 46 साइट्स है तो 46 साइट्स में ना इस वीडियो में मैं पहले आपको वन बाय वन ये सारे साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि कौन सा इसका लोकेशन है किस स्पीशीज़ के लिए ये फेमस है इस उस स्टेट में और कितने आपके रामसर साइट हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख करके पहले मैं आपको फोर्टी सिक्स साइड्स एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद जब ये आप थोड़ा ओवरऑल चीज़ों का आप क्लियर हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी कि जैसे देखो ये आपका केरला है ना केरला में टोटल आपका तीन वेटलैंड साइड्स है ओके तो इसको हम यहाँ पर वेम्बेनाड है अष्टम उडी एंड शस्तम कोट है तो इसको हम ऐसे याद करते हैं कि लिख देते हैं सेव तो एस से आपका शस्थ शस्तम कोटा हो गया ए से अष्टम उड़ी हो गया और वी से वेमनार्ड हो गया तो ऐसे करके कुछ ट्रिक्स याद करके हम याद करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ओके लीव द एग्जाम्पल बिकॉज अभी आपको ट्रिक्स बता करके क्या फ़ायदा होगा अभी मैं आपको एक एक लोकेशन एक्सप्लेन करूँगी तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड अपने नोटबुक में आप ये सारा इन्फॉर्मेशन नोट करते जाइए वैसे तो मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम ऐसे एस लर्नर से तो ये पूरा पी पी टी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा बट आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप अपना नोट्स भी बनाते रहो क्योंकि ये जो वेटलैंड्स है ना ये हमेशा इंक्रीज होते जाता है तो सपोज फिर प्लस टू कभी ऐड हुआ प्लस थ्री ऐड हुआ तो आप अपने उस कॉपी में इसको अपडेट करते जाइएगा तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से ओके तो ये साइट्स जानने से पहले ये क्या रामसर साइट्स है जो रामसर होता क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं ओके तो रामसर कन्वेंशन जो है ना ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ये कंजर्व करने के लिए अब जब पे वेटलैंड्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली को आ, आपका कंजर्व करने के लिए होगा और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते इसका नाम जो रामसर इसलिए पड़ा ना एक ईरान में ये रामसर नाम की एक सिटी है ओके जहाँ पे ये साइन हुआ था कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 में तो इसको सेकेंड फेबररी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है अभी करंट में आपके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कन्वेंशन के पार्टीज़ हैं उसमें आपके 171 मेंबर्स हैं ओके यहाँ पे फिलॉसफी यूज़ किया जाता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का वाइज यूज मतलब हमको ऐसा यूज़ करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हो सके उस चीज़ को ठीक है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर इन द कंटेक्सट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके अब क्या है ना कि जब भी ये कोई कंट्री ना एक्सीड करता है ये कन्वेंशन में जो मैंने रामसर के बारे में बताया ना तो इसको एटलीस्ट आपका आप एक वेटलैंड को डेजिग्नेट करना होगा एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हाँ द इंक्लूजन ऑफ ए रामसर साइट इन द लिस्ट इम्बॉडीज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट कि हम नेसेसरी स्टेप लेंगे टू इंश्योर द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हाँ ओवरऑल जो आपका टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रामसर साइट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिसमें मैंने आपको बताया कितनी पार्टीज हैं कितनी कंट्रीज ने साइन किया हुआ है वन सेवेंटी वन द वर्ल्ड का जो फर्स्ट साइट है ना फर्स्ट साइट ये आपको याद रखना है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का कोबर पेनसुला जो वर्ल्ड का फर्स्ट साइट है नाइनटीन सेवेंटी टू में इसको कन्फर किया जाता है और जो कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा साइट्स हैं ना वो है यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे 175 है उसके बाद मेक्सिको है उसके बाद कौन से साइट में सबसे ज्यादा एरिया है रामसर साइट के अंदर तो वो आपकी बोलीविया है तो यहाँ से आप कुछ फैक्ट्स जो याद करेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको रामसर याद करना है तो आपको नाइनटीन ईरान याद आना चाहिए यहाँ पे आपका हुआ था और सी में आपकी वन वन पार्टीज है इंडिया भी इसका आपका रामसर कन्वेंशन का मेंबर है फर्स्ट साइट जो आपको याद करना है उसमें आप याद करेंगे कोबर्ग पेनंसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ओके okay? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट रामसर साइट कहाँ है तो यूनाइटेड किंगडम में है नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कहाँ है मेक्सिको में है और कौन सा साइट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है ओके एरिया वाइज सबसे ज़्यादा वो आपका बोलीविया है तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे ओके okay? इसकी क्राइटेरिया कुछ नाइन क्राइटेरिया में ये बांटी गई है कि देखो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डेजिग्नेट करने के लिए ओके नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम की क्राइटेरिया आपसे पूछ ले बट नॉर्मली ये जो क्राइटेरिया है ना ये मीन्स uh, आप भी अपने ब्रेन में इसको डिड्यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी ये क्राइटेरिया बता बताऊँगी ओके okay? देखिए ये बहुत ही रेयर या फिर यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का अप्रोप्रिएट बायोजोग्राफिक रीजन में होना चाहिए ये ग्रुप ग्रुप क्राइटेरिया, बी क्राइटेरिया है ना वो डिफरेंट 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 सब क्राइटेरिया में है जैसे कि क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज फिर वाटर बर्ड्स, फिर फिश है ना आ, फिर इट इज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स ऐसे करके आपका क्राइटेरिया है तो uh, कोई आपका वनरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है अगर उस एरिया में ठीक है इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट एरिया है वो सपोर्ट करता है कोई प्लांट एनिमल स्पीशीज़ जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेनटेन करने की कोशिश करे ओके okay? आपका एनिमल स्पीशीज क्रिटिकल स्टेज में है इन देयर लाइफ साइकिल ठीक है तो उनको रेफ्यूज प्रोवाइड करने के लिए एडवर्स कंडीशन में फिर आपका अगर कोई इंटरनेशनली uh, अक्लेम करते हैं बोलते हैं कि ये रामसर साइट है अगर वो रेगुलरली कुछ ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है ठीक है रेगुलरली सपोर्ट्स वन परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये इसका क्राइटेरिया है ओवरऑल आप इस चीज को आपको ध्यान देना है डोंट नोट इट डाउन बिकॉज दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट अब टोटल अगर हम इंडिया में देखेंगे ना तो अक्टूबर 2021 तक आपका टोटल 46 साइट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइट है ना वो आपका यूपी में है दैट इज़ एट नंबर ऑफ साइट्स उसके बाद नेक्स्ट आपका पंजाब में आएगा पंजाब में, आएगा, पंजाब में आपका टोटल छः साइट है ओके okay, तो सबसे हाईएस्ट आपका यूपी में है ये चीज़ आपको ध्यान देना है अब हम वन बाय वन सारा साइड्स को देखेंगे तो देखो मैंने जैसे आपको बताया ना मैं पहले आपको सारा का सारा फोर्टी सिक्स साइड्स का ओवरव्यू दे दूंगी उसके बाद फिर मैं आपको स्टेट वाइज कुछ ट्रिक्स बता करके वो याद करवा दूँगी तो पहला जो है वो चिलिका लेक के बारे में चिलिका जो लोकेशन है अगर चिलिका आप सुने होंगे तो ये कहाँ है ये उड़ीसा में है ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो दया रिवर के माउथ में बनती है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में देखो ये सारी पॉइंट्स आपको नोटिस करना है पहले आप चिलिका लिखो ये ब्रैकिश वाटर लगून लिखो ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है ठीक है यहाँ पर जो बर्ड्स माइग्रेट करके बहुत दूर दूर से आती हैं कैसवियन सागर से अरल सी से सेंट्रल एशिया एशियन बहुत सारी बर्ड्स जो है आपका यहाँ पर आती हैं चिलिका लेक जो है इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थी जैसे वर्ल्ड में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का साइट हो गया ना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना मैंने बोला आपको कोबर्ग पेनसला का नाम नोट कर लो ऑस्ट्रेलिया का वैसे चिलिका इंडिया का नंबर वन में है ठीक है इस इस चिलिका लेक में एक नलबाना बर्ड सेंक्चुरी है जो कोर एरिया है उस रामसर साइड का ठीक है जैसे कि ये एरिया है ना तो यहाँ पे नलबाना बर्ड सेंचुरी है ये कोल एरिया है ये एरिया फेमस है इरावडी डॉल्फिन के लिए ठीक है ये बहुत फ्लैगशिप स्पीसीज है चिलिका लेक की और चिलिका में आपकी इराबॉडी डॉल्फिन के बारे में आपको चिलिका पता होना चाहिए ओके ये सबसे पहली साइट थी लोकेशन ये पूरी खुर्दा गंजम डिस्ट्रिक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट ऑल नॉट दैट इम्पोर्टेंट उड़ीसा आपको पता होगा ठीक है इसको मैनेज करने वाली चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी है देखो इसका स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है नोटेबल मैंने आपको बता दिया है यह इराबॉडी डॉल्फिन के लिए फेमस है और अदर चीज़ यहाँ पे क्या मिलती है हैमर हैड सॉ फेस जैजेस और यहाँ पे आपके लॉन्ग हेड ईगल रे ठीक है यहाँ पे कुछ और स्पीशीज मिलते हैं जैसे कि आपका फ्रंटेड गूज है ना वूली नेक स्ट्रॉक इंडियन स्कीमर तो आप ना इरा चिलिका लेक में एक तो आप इरावडी डॉल्फिन याद करेंगे ओके और आप एक इंडियन स्कीमर याद करेंगे इंडियन स्कीमर ठीक है एक आप डैकिश वाटर लगून कोस्टल लार्जेस्ट कोस्टल लगून यहाँ पे आपकी माइग्रेटरी बर्ड आती है और ये फर्स्ट राम साइट है नलबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इतने पॉइंट है जो आप चिलिका लेक से नोट करेंगे नेक्स्ट हमारा केवला देव नेशनल पार्क है ये 1981 में बना था ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है केवला देव नेशनल पार्क इज इन राजस्थान और इसको मैनेज करने वाली अथॉरिटी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अथॉरिटी नॉट दैट इंपॉर्टेंट अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है ना कि ये जो केला जो नेशनल पार्क है ना यहाँ पे टेन आर्टिफिशियल सीजनल लगून हैं ठीक है आर्टिफिशियल और सीजनल लगूनस हैं यहाँ पे वेजिटेशन इज अ मोजाइक ऑफ स्क्रब एंड ओपन ग्रासलैंड दैट प्रोवाइड्स हैबिटेट ब्रीडिंग फॉर विंटरिंग और यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है यहाँ पे एक इन्वेजिव ग्रास है दोस्तों जिसका नाम है पसपालम डिस्टिचम तो ये आप नोट करेंगे ठीक है जिन्होंने चेंज कर दिया है द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द साइट रेड्यूसिंग इट्स सूटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटरबर्ड स्पीशीज है साइबेरियन क्रेन तो आपको केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है और साइबेरियन क्रेन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जिस और साइबेरियन क्रेन की सस्टेनेबिलिटी को जो हैम्पर किया है उसका काम वो किस चीज़ ने किया है इसका नाम पशपालम डिजम है ये वहां पे एक इन्वेजिव ग्रास है ठीक है तो नोटेबल no, स्पीशीज आपका क्या है सारस क्रेन साइबेरियन क्रेन तो है ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड सारस क्रेन आप याद करेंगे ओके okay, हॉक डियर याद करेंगे इंडेंजर्ड यहाँ पे देखिए हॉक डियर यहाँ पे इंडेंजर्ड देखो ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है और उसका आपका आयु स्टेटस तो सबका आयु स्टेटस आपको याद नहीं करना है लेकिन जैसे साइबेरियन क्रीन यहाँ पे जैसे इरावाड़ी डॉल्फिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना तो आपको पता होना चाहिए कि इरावड़ी डॉल्फिन की आपकी आयु स्टेटस क्या है ओके इरावाडी डॉल्फिन आपकी इंडेंजर्ड है तो जिसे वैसे आपको साइबेरियन क्रीन आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो इम्पोर्टेंट वाली स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट हम हरी के लेक के बारे बारे में बात करेंगे ये आपके पंजाब में है ये ब्यास और सतलज रिवर के कॉन्फ्रेंस में है ये फेमस है आपके इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए ओके यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है इंडस रिवर डॉल्फिन की आप आयु स्टेटस को नोट डाउन करेंगे ये इंडेंजर्ड होती है तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ठीक है नेक्स्ट अब हम चलते हैं लोकतक लेक के में ये मणिपुर में है ये इन लोकतक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये यहाँ पे केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है दोस्तों और इसमें ये फ्लोट होता है आप देख रहे हैं ना ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसको बोलते हैं ओके okay, ये सांगाई डियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है फ्रेंड्स तो ये फेम, फेमस किसके लिए है सांगार सांगाई डियर के लिए फेमस है तो आप सांगाई डियर को लोकतक लेक में नोट डाउन करेंगे और जिसकी आयुष्यन स्टेटस क्या है इंडेंजर्ड है तो ऐसे ही आप पॉइंट्स बनाओ ठीक है आप लिखो देखो आप ऐसे नोट्स बनाओगे लोकतक लेक ठीक है फिर आप लिखोगे इसका लोकेशन ठीक है पढ़ने के बाद आप खुद से लिखो केबुल लेम ठीक है क्या है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कहाँ है वर्ल्ड में ठीक है और फिर लोकता लेक क्या है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ की है नॉर्थ ईस्ट है ना ये फेमस किस लिए है संगाई डियर के लिए इसकी आयुष्यन स्टेटस क्या है इनडेंजर्ड बन गया ना शॉर्ट में आपका नोट तो आपको ऐसे इसका नोट्स प्रिपेयर करना है नेक्स्ट आपका है सांबर लेक सांबर लेक आपका राजस्थान में है ये नगौर अजमेर डिस्ट्रिक्ट आ, में ये है ये जो सांबर लेक है ना इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड लैंड सॉल्ट वाटर लेक है ठीक है और यहाँ पे बहुत सारी फ्लैमिंगज़ आती है ठीक है आपका लेसर ग्रेटर फ्लैमिंगोज़ ठीक है यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर के लिए फेमस है ठीक है तो आपको आ, सांबर लेक के बारे में इसका लोकेशन पता होना चाहिए राजस्थान फिर है आपका वूलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में देखो ये हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की ओके तो इतनी याद करो आप इसका बस लोकेशन ही आ, याद करके रखो फिर है कंजली कंजली आपका पंजाब में है ओके ये बहुत सिग्निफिकेंट है अपने स्टेट में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आज इट इज़ एसोसिएटेड विद द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स गुरु नानक जी से ये रिलेटेड है ओके तो ये आ, आप, आपकी जो पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है तो आपको कंजली जो वेटलैंड साइड है पंजाब में है और ये गुरु नानक जी से रिलेटेड है रोपर भी आपकी पंजाब में है ओके okay, ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है तो ठीक है रोपता कौन है रोपता ह्यूमन है ना तो ये एक ह्यूमन मेड है ठीक है और ये बराज फॉर्मेशन से बना है सतलज वाटर का ठीक है यहाँ पे आपका मिल जाएगा इंडियन पैंगोलिन ठीक है इंडियन पैंगोलिन देखो दो तरह का पैंगोलिन होता है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक होता है इंडियन पैंगोलिन एक होता है चाइनीज पैंगोलिन हाँ क्वेश्चन आ सकता है ये तो इंडियन पैंगोलिन जो आपका चाइनीज पैंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है और इंडिया इंडियन पैंगोलिन जो होता है वो आपका इंडेंजर्ड होता है ठीक है ये हल्का एक हल्का सा एक साइड इन्फॉर्मेशन मैंने दिया लेकिन ये जो रोपर है आपका ये इंडियन पैंगोलिन यहाँ पे पाया जाता है फिर आपका अष्टमुढ़ी ये केरला केरला इंडिया केरलियन स्टेट में ये नेचुरल बैक वाटर है कोलम डिस्ट्रिक्ट में ठीक है यहाँ पे कलादा और पलीचल रिवर है ठीक है ये एस्चरी बनाती है निंदकारा ठीक है फेमस फिशिंग हार्बर देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल ना, वाटर नंबर थ्री पास होता है यहाँ से तो आपको याद रखना देखो दोस्तों पीछे का मत भूल जाना आप हाँ जैसे मैं अष्टभुंडी बता रही हूँ तो रोपर मत भूल जाना सबसे पहले सोचो रोपर कहाँ है रोपर इज इन पंजाब ठीक है चिलिका कहाँ है चिलिका इज इन ओडिशा चिलिका किस लिए फेमस था आपका इरावडी डॉल्फिन के लिए फेमस था चिलिका के आपके कोर वाले एरिया में कौन सा था नलवाना बर्ड सेंचुरी ऐसे करके कर कर रिवाइज करते रहो ठीक है आप बिना देखे हुए मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ नोट कर पा रहे हो और अभी आप उतना ज्यादा टेंशन मत लो धीरे धीरे ये चीजें आपको याद होती जाएगी ठीक है बीतकर्नी का मांग्रोव जो है आपका ये उड़ीसा में है ये बीता कर्नी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ठीक है यहाँ का जो कोर एरिया है वो बीतकर्नी का नेशनल पार्क भी है गहिर मता मरीन सेंचुरी जो है ये एडजेसेंट है बीतकर्नी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखो ये फेमस है दो चीजों के लिए और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वन इज ओलिव रिडली टर्टल एंड नेक्स्ट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओके तो ये आप ओलिव रिडली टर्टल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को नोट करेंगे ओलिव ब्रिडली टर्टल आपकी वल्नरेबल होती है और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपका लीस्ट कंसर्न है ऐसे तीन तरह का क्रोकोडाइल आपको पढ़ना है लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका भीतर किका तो मैंग्रोव्स हो गया ये आपका फेमस किस लिए हो गया है आप यहाँ पे आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे ओके और गहिर मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे नेक्स्ट है भोज वेटलैंड भोज इज इन मध्य प्रदेश ठीक है ये भोपाल और के डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे द वेटलैंड इज कंसिस्ट ऑफ टू लेक्स ओकेट इन सिटी ऑफ भोपाल हाँ द टू लेक्स आर भोजताल एंड द लोअर लेक ये ह्यूमन मेड रिजर्वर है और ये बहुत फेमस है लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया सारस क्रेन के लिए जो कि वल्नरेबल है तो देखो सारस क्रेन कहाँ है भोज भोपाल लेकिन साइबेरियन क्रेन हमने कहाँ पढ़ा था थोड़ी देर पहले मैंने आपको साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया ना हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आपको साइबेरियन क्रेन के बारे में वेयर इट इज केला नेशनल पार्क ठीक है सारस क्रेन केला नेशनल पार्क लेकिन कौन सा पढ़ा पढ़ा है अभी हमने सारस सारसक्रीन इट इज भोज वेटलैंड तो और ये वल्नरबल है नेक्स्ट है दिओपर बिल दियोपर बील आसाम में है ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल फॉर्मर चैनल से बनी हुई है गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर पास में है और यहाँ पे पोबित्रा नेशनल पार्क के 35 फाइव किलोमीटर इन एंड अराउंड में है। ये एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है ओके okay, नेक्स्ट जो है आपका ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है ठीक है ये बहुत मल्टीपल यूज वेटलैंड है और ये सर्व करता है सिटी ऑफ कोलकाता का यहाँ पे आपका रोहू फिश कातला फिश एंड ऑल ये सब मिलती है तो बस आप ईस्ट कोलकाता तो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में होगा बस इतना छोटा सा याद करो कोलेरू लेक जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की लेक है ये आपकी फेमस है स्पॉट बिल्ड पैलिकेन के लिए ठीक है ये एक उल्ट्राफिक लेक है जो सिचुएटेड है गोदावरी एंड कृष्णा में अब ये उल्ट्राफिक लेक क्या होता है ठीक है देखिए पहले ये एक लगून था लेकिन अभी क्या हो गया है आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे ठीक है क्योंकि बहुत सारा आपका स रिवर्स एंड ऑल के वजह से यहाँ पे आपका क्या बन चुका है एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो चुका है ओके मैं बताती हूँ यूट्रॉफिक होता है देखो तो यूट्रॉफिक लेक वो होते हैं ना जैसे कि आपके ये आपका लेक या फिर रिवर या फिर कुछ भी है यहाँ पे आपका बहुत सारा फैक्ट्रीज इनलेट एंड ऑल है तो यहाँ पे आपके बहुत केमिकल्स एंड ऑल आ रहे हैं तो यहाँ पे न्यूट्रीश, न्यूट्रीशन कैपेसिटी बढ़ जा रही है तो जिसके वजह से आपका क्या होगा एलगे ब्लूम हो जाएगा तो एलगे ब्लूम होगा तो आपने देखा ना रिवर में ग्रीन 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 ऊपर में बन जाता है ठीक है तो इतना ग्रीन ग्रीन हो जाएगा तो सनलाइट नीचे नहीं पहुंचाएगा तो फिशेस विल गेट फिशेट ऑफ दैट सनलाइट ठीक है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा यहाँ पे तो उसको यूट्रॉफिक लेक बोलते हैं तो ये कोलेरू आपका कहाँ पे है कोलेरियो कुले, आपका आंध्र प्रदेश में हो गया नेक्स्ट आपका पॉइंट कालीमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी है ये भी तमिलनाडु में है ये एक राम है ड्राई एवर फॉरेस्ट की ठीक है यहाँ पे भी आपका ब्लैक बौ, ब्लैक बॉक और पेलीगन के लिए ये फेमस है नेक्स्ट हम देखेंगे पोंग डैम लेक के लिए ये हिमाचल प्रदेश में है यहाँ पे बार हेडेड गूज के लिए फेमस है इसको पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं आप इस चीज को नोट करेंगे क्या बोलते हैं इसको महाराणा प्रताप सागर ओके देखो बहुत सारा है ना 46 है तो अभी टेंशन मत ले लेना हाँ अभी जस्ट आप अवेयर करवा रही हो मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीज़ आ जाना चाहिए जैसे कि अगर हम पॉइंट कैलेमर की बात करें तो थोड़ा सा हिट करना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में बाद में तो मैं आपको इंडिया में पूरा लोकेशन वाइज बताऊँगी कौन कौन सा कहाँ है और मैं उसको रटवाने की कोशिश भी करूँगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सेव का एग्जाम्पल दिया था शशतम कोटा अष्टमुडी एंड वेमेन ठीक है तो ऐसे ट्रिक्स से याद हो जाएगा आपको देखो सस्तम कोटा के बारे में बात करतेम कोटा आ गया ये आपका केरला में है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की कोलम डिस्ट्रिक्ट में कलादा रिवर जो है यहाँ पे इसका ये रिवर आपकी रिप्लेनिश करती है इस एरिया को ठीक है और देखो ये जो आपका सस्तम लेक है ना वो डिप्लीट हो रहा है आजकल ठीक है नेक्स्ट आपका जो मुरेरी है सोमोर एरिया आपका लद्दाख में है ठीक है ये फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक लाइंग है ठीक है मतलब कंप्लीट फ्रेश वाटर भी नहीं है व्रैकेश भी नहीं है तो चेंज होती है ये ठीक है द साइट इज सेट टू रिप्रेजेंट ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना ठीक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड क्रेन ब्लैक नेग्ड क्रेन जो कि नियर थ्रेटेंड है आपका और ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है बार हेडेड गीज का देखो जो मुरेरी है ना चाइना तक जा रही है तो कौन सा साइट है आपकी जो चाइना तक जा रही है वो जो मुरेरी है ठीक है ब्लैक नेग क्रेन के लिए फेमस है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है नियर थ्रेटेंड है ठीक है ये आपको ध्यान देना देन वेम्बेड वेंब, हो गया ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में है आफ्टर सुंदरबन बंस जो आपका मैं अभी बताऊंगी ये कोलकाता में ये लार्जेस्ट साइट है लार्जेस्ट के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है ना वो वेम्बेड है ओके अः बिलो सी लेवल में है और यहाँ पे बहुत एग्जॉटिक फिश मिलती है पैडी फील्ड्स यहाँ पे बिलो सी लेवल है ठीक है और ये लार्जेस्ट लेक है केरला का जो आपका अलापुआ कोटयम अर्नाकुलम ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है नेक्स्ट आपका चंद्रताल वेटलैंड है ये हिमाचल प्रदेश में है ये एक हाई आल्टीट्यूड लेक है ठीक है और ये आई रेड रेडलिस्ट स्नो लेपर्ड जो वल्नरेबल होता है उसको सपोर्ट करता है चंद्रताल ओके ऊपर में ना लोकेशन स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा साउथ इंडिया में थोड़ी ना मिलेगा ऊपर ही मिलेगा हिमाचल प्रदेश अगर आपको इंडिया का लोकेशन पता है तो ओके ऊपर ही मिलेगा ना नेक्स्ट आपका है होकेरे होकेरे अभी देखो जो मुरीरी मैंने कहाँ बोला था याद करो जो मुरीरी मैंने आपको लेह लद्दाख बोला था होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में ये श्रीनगर के पास में है ये नेचुरल पेरनियल वेटलैंड वेट है झेलम बेसिन के पास में ठीक है बस इतना ध्यान देना आपको रेणुका वेटलैंड अगेन आपका हिमाचल प्रदेश का है यहाँ पे आपको बस महसीर एक स्पीशीज है गोल्डन महसीर महसीर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें गोल्डन महसीर जो आपका ना इंडेंजर्ड होता था तो ये महसीर के लिए जाना जाता है और बस आपको ये याद रखना है आ, रेनुका वेटलैंड याद करना है, हिमाचल आ, प्रदेश ओके देन रुद्र सागर रेक आपका त्रिपुरा में है ये एक रिजा फेड है बाई थ्री पेरेनियल स्ट्रीम्स स्टार्टिंग टू द रिवर गोमती हम्म ये आइडियल हैबिटेट है आईयूसीएन रेड लिस्ट थ्री स्ट्रिप्ड रूफ्ड टर्टल का ओके थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल जो कि आपके इंडेंजर्ड ओके इंडेंजर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आपको बस बस याद रखो रूद सागर त्रिपुरा दैट सेट ओके नेक्स्ट आपका सुरिन आ, सुरिन सर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर में अगेन ये आपकी जो एडजॉइनिंग झेलम बेसिन है वहाँ पे मिलती है ये ओके अपर गंगा रिवर ये आपका यूपी होगा नो डाउट बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ ये फेमस है आपकी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन ठीक है और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल के लिए नेक्स्ट है आपका नाल सरोवर जो कि गुजरात में है ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है गुजरात का इस लोकेशन है वो सुंदरबन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है लार्जेस्ट रामसर साइट भी है इंडिया का ये आपका सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर जो है हमारे कंट्री का वो इंक्लूड करता है और ये देखो ये वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट मैंग्रोव साइट है ठीक है कंटिन्यूस मैंग्रोव आपका हैबिटेशंस है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर और सुंदरी एक ट्री का नाम है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है नेक्स्ट जो आपका नंदूर मधमेश्वर है नंदूर मधमेश्वर ये महाराष्ट्र का लोकेशन है ठीक है ये गोदावरी एंड कडवा रिवर्स का, आ, का जो कन्फ्लुएंस है ना वहाँ पे ये आपका नंदुर मधमेश्वर आता है ये आपका बटर कैटफिश के लिए फेमस है बस आप इसमें ध्यान देंगे कि नंदुर मधमेश्वर आपका कहाँ है इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र देन आपका नवाबगंज बर्ड सेंक्चुरी है ये यूपी में है इसको चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंक्चुरी भी बोलते हैं ठीक है तो आपको नवाबगंज कहाँ है यूपी में है और चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी इसको बोलते हैं ये चीज ध्यान देनी है फिर आपका है सरसई नवर झील ओके okay. ये जो है एक परमानेंट मार्च है एग्जाम्पल है ऑफ द कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ और इसका जो साइट का नाम है ना ये डिराइव किया गया है सारस क्रेन से देखिए सरसई नवर झील तो सारस क्रेन से सारस क्रेन आपकी वनरेबल स्पीशीज है नेक्स्ट आपका ब्याज कंजर्वेशन है ठीक है ये आपके पंजाब में है ब्यास आपको पता होगा ना एक रिवर ब्यास है जो आपकी पंजाब में बहती है ये ब्रेडेड चैनल बनाती है ये रिवर ब्रेडेड चैनल देखो वैसे ही चैनल होता है आपने देखा है ना लड़कियों को ऐसे चोटी बनाते हुए ब्रेड्स बोलते हैं तो ये थोड़ा इस टाइप का चैनल बनाती है तो उसको ब्रेडेड चैनल भी बोलते हैं और ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि आपके इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड घरियाल का जो री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम था वो आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में ही हुआ था ओके फिर है आपका केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये आपकी पंजाब की हो गई ये साइट एग्जाम्पल है हाँ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड की जो अब यहाँ पे ये जो साइट है ये फूड प्रोवाइड कर सकती है करती है लोगों को एंड सपोर्ट करती है लोकल बायोडायवर्सिटी को तो केशोपुर में आमी आपका यहाँ पे नोटेबल स्पीशीज आपको सारस क्रेन मिलेगा देखो अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारस क्रेन इंडिया के एक पार्ट में मिल रहा है तो वो इस पार्ट में नहीं ऐसा तो वो कोई इंसान नहीं है ना वो एनिमल्स एंड आन बर्ड्स उनको तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकते ना कि आप इतने दूर में जाओ यहाँ पे जाओ वहाँ पर जाओ यहाँ नहीं जा सकते वो तो कहीं भी मूव करके जा सकते हैं तो अगर आपका पंजाब है यहाँ पे ठीक है पंजाब के बगल में अगर आपका हरियाणा है तो क्या वो हरियाणा के साइड में मूव नहीं कर सकता बिल्कुल मूव कर सकता है ठीक है बट क्या होता है कुछ एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे ये लोग ज़्यादा विजिट करते हैं तो उस हिसाब से ये चीज़ों को हम ध्यान देते हैं कि देखो ये वाला आपका पंजाब का मैप देख रहे होंगे ना देखो ये कितना आपका लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से है ना इसी तरीके से नेक्स्ट आपका नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाखरा नंगल डैम का नाम आपने सुना होगा ना उसी पे ये नाम है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है शिवालिक फुट हिल पंजाब में लोकेटेड है ये इंडियन पेंगलिन ठीक है जो मैंने आपको बताया था इंडेंजर्ड और चाइनीज पैंगलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो इंडियन पांगली के लिए भी आपकी फेमस है ठीक है हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है साइड की ठीक है और यहाँ पे आपका हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस में क्या है कि इंडिया और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उन्होंने फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को को यहाँ पे 1954 फिफ्टी फोर में इसको फॉर्मलाइज़ किया था इंडिया की तरफ से कौन था जवाहरलाल नेहरू जी ओके okay? तो प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को के लिए यहाँ पे इस साइड की आपकी हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस भी है नेक्स्ट आपकी संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंडो गैंगटिक प्लेन एंड यूपी में है और ये भी सारस करीन के लिए फेमस है फिर आपका समस्पुर देखो समस्पुर संडी ठीक है ये एसएस वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में समस्पुर ओके तो ये भी सारा स्क्रीन के लिए है लो मार्श लैंड एरिया में है ये ठीक है भी आपको एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर मिलती है फिर आपको पार्वती आगरा आगरा है तो आप यूपी समझ ही लेंगे लेकिन ये देखो ये ऑक्सबोलो लेक के लिए फेमस है ऑक्सबो लेक कौन सी होती है जैसे देखो कोई एक नदी ऐसे बह रही है ना देखो ये एक नदी में बना बना के बह रही है फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा ना कि मे बी देखो डिपोजिशन होगा आपका ठीक है तो डिपोजिशन होते होते पे पे ना कुछ यहां पे देखो आ, मिट्टी भरना आ, स्वायर भरना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा ना कि ये कट हो जाएगा यहां से ठीक है और ये र, रिवर अपना पाथ को फॉलो करेगी लेकिन ये जो पाथ था ना देखो ये यहाँ पे एक लेक बन गया ठीक है ये इसी का पार्ट था लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत डिपोजिशन हो गया है जिसकी वजह से ये इसे डिसकनेक्ट हो गया तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं तो यहाँ पे दो ऑक्सबो लेक जो तो आपका पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में ऑक्सफोर्ड लेक से रिलेटेड आप याद रखेंगे समस, देखो पार्वती संडी समस, मैंने बोला ना समन आपका बहुत सारा एस एस वाला आएगा ये भी यूपी में है ये भी ऑक्सबो लेक के लिए और सारस ग्रीन यहां पर भी है आसान कंजर्व कंजर्वेशन रिजर्व आपका उत्तराखंड में है ठीक है आसान रिवर यहाँ बहती है कन्फ्लुएंस ऑफ यमुना जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आपका हो गया ये आपकी फेमस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर के लिए वाइट रम्ड वल्चर के लिए ओके तो आसान कहाँ है आपका उत्तराखंड में है नेक्स्ट कबरताल कबरताल बिहार में है ठीक है ये जो आपका आ, बस आप इसमें लोकेशन याद रखेंगे और यहाँ पे लैपलिंग लैपिंग भी मिलती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है इस साइट में ना पांच तरह की क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज मिलती है जिसमें तीन वल्चर हैं रेड हेडेड वल्चर व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर और दो वाटर बर्ड है जिसमें से आप बेस पोचाट को छोड़ो बट सोशल लैपिंग को आप याद करेंगे ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिर आपका लोनार लेक है लोनार लेक आपका महाराष्ट्र हो गया ठीक है ये एक आपकी एंडोरिक क्रेटर लेक है जो कि बनी है मेट्रॉइड से ठीक है ये ले काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में रहता है ठीक है तो और इंडिया में कोई ऐसा लेक है क्या जो किसी क्रेटर से फॉर्म हुई है तो हाँ वो लोनार लेक ही है ठीक है ये जो लेक है ना इसका कलर पिंक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया जिसको हाली आर्किया माइक्रॉब्स बोलते हैं ये वहाँ पे है ठीक है ये जो बैक्टीरिया है ना आपका हालो आर्किया ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है पिंक पिगमेंट हाँ जो कि वाटर को पिंक कलर दिखाती है तो क्रेटर फॉर्मेशन लेक जो लोनार लेक महाराष्ट्र में आपका सूर सरोवर ठीक है आपका उत्तर प्रदेश में है। नल सरोवर याद है नल सरोवर कहाँ है नल सरोवर आपका गुजरात में है। लेकिन सूर सरोवर आपका यूपी में है ठीक है ये इट वॉज क्रिएटेड क्यू टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ

और सेकेंड इन द यूटी ऑफ दिल्ली ठीक है हाई ऑल्टीट्यूड में ऑब्वियसली ठीक है यहां ये जो है एक फ्रेश वाटर लेक है टू द साउथ ये लेक एक हाइपर सलीन लैक भी लेक भी है टू द दे नॉर्थ देखो फ्रेश वाटर है साउथ में लेकिन नॉर्थ में क्या हाइपर सलीन लेक है इसको सोकर बोलते हैं मतलब वाइट लेक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइट सॉल्ट एफ फाउंड देखो हाइपर सलीन है ना तो सॉल्ट क्या होता है वाइट कलर का होता है ना इपरेशन होगा तो वाइट ही दिखेगा तो इसको सोकर बोलते हैं जिसका मतलब भी वाइट लेक होता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है दिया गया है भाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और ये ब्लैक नेग्ड

ये या या आपका दिल्ली इधर आ जाएगा ठीक है तो ये फेमस है आपका बार हेडेड गूज मिलेगा यहाँ पे Uh, यहाँ पे सोशबल लाविंग यहाँ पे भी मिलता है सोशबल लाविंग की आई सी स्टेट इज क्रिटिकली इंडिया तो सुल्तानपुर कहाँ है हरियाणा में फिर आपका है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी इसकी लोकेशन है गुजरात ये भी ह्यूमन मेड है देखो इतना आपका लोकेशन है ना उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सबो है कौन सा सलाइन लेक है कौन सा हाइपर सलाइन लेक है कौन सा मैन लेक है कौन सा बैक वाटर्स है ठीक है थोड़ा डिस्टिंग्विश करना ये सब आना चाहिए तो ये human made made है shallow freshwater है यहां पे आपका again, sociable wings, crane and white मिलती है. Species overlap करेगी ठीक है बहुत सारी जगह में वाधवा जो आपका वेटलैंड है वो गुजरात में है ये ह्यूमन मेड रिजर्वर है सेमी अरिड एग्रीकल्चर लैंडस्केप है और ये वीट एंड पैडी फील्ड से आपका सराउंडेड है सेंट्रल एशियन फ्लाई वे फॉर माइग्रेटरी एवियन स्पीशीज़ ठीक है यहाँ पे भी अब सेम आपका ग्रे लेग गूज के बारे में आपको बोला है ना मैंने बाकी उतना ज़्यादा स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप याद नहीं करेंगे अब बस वादवा कहाँ पे है गुजरात में ये याद करेंगे ठीक है अब देखो हमने सारा अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लिया है ठीक है तो थोड़ा तो आइडिया मिला होगा ना अगर मैं आपको सो कर बोलूँ या फिर सो मोरीरी बोलूँ तो थोड़ा तो हिट कर रहा होगा ना ओके आई एम टॉकिंग अबाउट ले लद्दाख ठीक है अगर मैं आपको नंगल बोलूँ तो आपके दिमाग में हिट करेगा ना ओके okay, भाकरा नंगल मतलब पंजाब ओके थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल कर पा रहे होंगे मैंने आपको बोला समस संडी समन पार्वती आगरा तो ये सब अगर जाओगे तो कहाँ हिट करेगा ओके okay, यूपी तो देखो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए याद है ना क्योंकि मैंने मल्टीपल रिविजन किया हुआ इन सब चीज़ों की okay, बहुत बार पढ़ा है मैंने इस चीज़ को इसलिए मुझे सारा लोकेशन पता है और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज अगर बोलेंगे तो कि ओके okay, सांगाई डियर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो मणिपुर में ही होगा मणिपुर में क्या है केबुल नामजावा पार्क है ठीक है क्यूबुल नामजावा पार्क है तो आपका क्योबल नामजवा पार्क क्यों फेमस है फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग फुमडेस होता है ठीक है तो ऐसे ऐसे करके मैं ओके सांगाई यहाँ पे मिलता है तो उसका आयुष स्टेटस क्या है इन है तो मैं ऐसे ऐसे करके चीज़ों को रिकॉल एंड रिकनेक्ट कर सकती हूँ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्टडींग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन तो ये भी आप कर लोगे ठीक है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिस ट्रिक्स के बेसिस पे आप जो साइट्स को है कुछ हद तक याद कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का फिर मल्टीपल रिवेजन से वो चीज़ आपका पुख्ता हो जाएगा तो सबसे पहले पुख्ता मीन्स हंड्रेड परसेंट हो जाएगा ओके पुख्ता इट इज़ लाइक उर्दू वर्ड बोलते हैं शायद इसको पुख्ता हो जाएगा दैट इज़ लाइक बोलते हैं ना हंड्रेड परसेंट याद हो जाएगा आपको सुंदरबन सबसे आपका लार्जेस्ट है उसके बाद वेम्बेनाड है वेम्बेनार्ड कहाँ है केरला में और थर्ड नंबर पे आपका चिलिका आता है सबसे फर्स्ट कौन सा था दोस्तों चिलिका ही था उसके बाद कोलेरू है भितर कन्नी का नाश्ता है तो सारा तो आपको याद नहीं रखना है आपको सुंदरबन याद रखना है सेकंड वाला याद करना सबसे स्मॉलर हमारी रेणुका है रेणुका की है हिमाचल हाँ, प्रदेश की है ठीक है ओल्डेस्ट जो है दो है ठीक है ओल्डेस्ट आपका चिलिका पहला एंड केवला देव नेशनल पार्क आपका दूसरा तो ओल्डेस्ट में भी आपको चिलिका याद रखना है अब देखो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आपका कहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा आपका एरिया वाइज कहाँ पे है बुलिविया ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड में कहाँ थी आपकी साइड ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऐसे करके आपको ये सारे फैक्ट्स भी याद रखे होंगे तो चलो अब हम थोड़ा स्टेट वाइज याद करने का चीज़ चीज़ों को याद करने की कोशिश करती हैं करते हैं हम uh, जैसे किया था ना सेव केरला का अश्तम कोटम अष्टमुड़ी वेम्बेनाड वैसे करके आपका जैसे हिमाचल प्रदेश का पी बनेगा वैसे करके कुछ कुछ हम याद करने की कोशिश करेंगे तो चलिए ओके okay? तो अब मैं ये फोर्टी सिक्स साइट्स ना आपको टिप्स में याद करवाने की कोशिश करूँगी ठीक है स्टेट वाइज हम कुछ ट्रिक्स से दिमाग लगा लगा करके याद करेंगे तो आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए सबसे पहले हम केरला के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे सेव ठीक है तो से हमारा क्या हो गया सस्थम कोटा ओके सष्टम कोटा ये ऐसे हो गया ओके या हो गया ए से हम लिखेंगे अष्टमुडी अष्टमुडी है ना फिर वी से हम लिखेंगे वेम्बनाड तो ये हमारा वेम्बनाड ये तीन क्या हो गया हमारा केरला का हो गया ठीक है कितना हुआ केरला का टोटल थ्री हुं? थ्री फ्रॉम केरला नेक्स्ट अब हम लिखेंगे ओके थ्री डन नेक्स्ट नाउ वी विल do डिफरेंट लोकेशन लेट्स डू ऑफ लद्दाख ओके लेह लद्दाख का करते हैं तो लेह लद्दाख में टोटल हमारा कितना site है दो साइट है ठीक है एक है सोकर और एक है सोमोरीरी ठीक तो है जैसे बोलते हैं ना सोकर सोकर उठाए गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सोकर सोकर कब उठाए मॉर्निंग में तो एक है सोकर एंड सोमुरेरी तो ये दोनों भी कहाँ हो गया आपका लद्दाख में ले सोकर उठा अभी सोकर सोमुरेरी तो ये दो साइट आपका लद्दाख का हो गया नेक्स्ट अब हम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ओके जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में अगेन आपका टोटल तीन साइट्स है ठीक है तो कौन कौन सा साइट है जम्मू एंड कश्मीर में हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर ऐसे बोलते हैं ना कि जाओ कभी होकर आओ जम्मू एंड कश्मीर तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत है जम्मू एंड कश्मीर होकर आओ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर तो होकेरा वेटलैंड कौन सा होकेरा वेटलैंड अब आपको वुलर लेक तो पता ही है जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है और ये फ्रेश वाटर लेक है तो ये तो बहुत लाइक सिंपल्स है ये आपको ध्यान में रखना है एक आपका क्या है सुरिनसर सुरिनसर मानसर ओके okay? तो बोलते हैं ना कि मान हमारा भारत का मान क्या है जम्मू एंड कश्मीर हमारा भारत का मान है उसको हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो मान मानसर कैसा है मान सर है हमारा वो तो ये तीन हो गया आपका होकर आज जम्मू एंड कश्मीर वुलर लेख है एंड मान सर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया इतना हो गया नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हिमाचल प्रदेश में ओके तो हिमाचल प्रदेश में हमारा तीन साइट है हम उसको लिखेंगे पीसीआर पीसीआर गाड़ी होती है ना पीसीआर घूम रही है आपकी घूम रही है हिमाचल प्रदेश में घूम रही है तो पी से आपका हो जाएगा पोंग डैम ओके पी से क्या हो गया पोंग डैम सी से क्या हो गया आपका चंद्रताल देखो ये आपको ना जल्दी से आपके रिविजन के लिए ये मैं कर रही हूँ फिर आपका क्या हो गया रेणुका वेटलैंड तो ये क्या तीन तीन आपका कहाँ का हो गया ये तीन हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का तो क्या पी सी आर आपको ऊपर वाला बिल्कुल नहीं भूल भूलना है केरला हो का सेव हो गया शस्थम कोटा अष्टमुडी वेम्बनाड फिर हम ऊपर जाते हैं ले सोकर एंड मॉर्निंग सोकर एंड सोमोरी जम्मू एंड कश्मीर होकर आ होकेरा कहाँ वहाँ पे जाना है वुलर लेक जाना है जम्मू एंड कश्मीर क्या है हमारा मान है तो सुरेंद्र सर मानसर हिमाचल प्रदेश में क्या घूम रहा है पी घूम रहा है पी व्हीकल ठीक है तो इसमें पोंगडैम हो गया आपका चंद्रताल हो गया आपका एंड कौन सा रेणुका हो गया आपका ठीक है नेक्स्ट अब हम आ, देखते हैं कौन सा उड़ीसा ओके ओडिशा तो ओडिशा में क्या है ना आ, मतलब बोलते हैं ना कि जा भाव से में बोलते हैं ना भीतर मतलब अंदर जाओ भीतर जाके चिल कर ठीक है भीतर जाके चिल कर तो आपका एक है भीतर करनी का ठीक है भीतर करनी का और दूसरा चिलकर चिलिका ठीक है तो एक भीतर जाके क्या करना है आपको चि, चिल करना है तो उड़ीसा में क्या भीतर कर्णिका और चिलिका तो ये दोनों कहाँ हो गया आपका उड़ीसा का हो गया भीतर कर्णिका एंड चिलिका लेक और चिलिका लेक आपकी फर्स्ट थी तो आपको ये भी याद रखना है स्मॉलेस्ट आपकी कौन सी है स्मॉलेस्ट आपकी रेणुका है तो आपको ये भी याद रखना है ठीक है तो उड़ीसा का क्या भीतर जाकर चिलकर तो भीतर कर्णिका चिलिका कहाँ की हो गई ये आपकी ये हो गई उड़ीसा की नेक्स्ट एक सिंपल सा लिखते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पे एक ही साइट है आपका उससे पहले ये यह आप यहाँ पे लिख लो उड़ीसा में कितना है दो है ठीक है उड़ीसा में दो है ओके okay. आंध्र प्रदेश में आपका एक है उसका नाम है कोलेरू लेक कोलेरू लेक ठीक है तो इसको हम कैसे याद करेंगे कोल पता है ना आपको कोल हाँ सी ओ एल कोल कोल कैसा होता है ब्लैक कलर का होता है तो कोल और आंधी आंध्र प्रदेश आंधी तो आंधी आती है तो कैसा हो जाता है आपका बा, बादल काला काला हो जाता है तो कोल भी आपका काला होता है एंड आंध्र प्रदेश में आंधी आ रही है तो वो भी काला हो जाता है तो कोलोरी को, को, कोलेरू लेक कहाँ है आंध्र प्रदेश में तो ऐसे आपको ये भी याद हो जाएगा और यहाँ पे कितना है यहाँ पे है आपका वन ओके दिस इज लास्ट में काउंटिंग में इजी होगा ना मार्केट डाउन फ्रॉम अनदर कलर ओके दिस इज टू डन दोस्तों इतना लेट्स मूव दूसरे वाले में ओके okay. नेक्स्ट अब हम जाते हैं पंजाब में क्लियर हो रहा है ना अब आप लोगों को याद हो रहा होगा ये रिवाइज करते रहोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा तो पंजाब में हमारा टोटल छः साइड्स है कितने साइड्स है टोटल सिक्स साइड्स हैं तो ईजली याद हो जाएगा ये भी आपको ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ तो देखो सबसे पहले तो भागरा नंगल डैम कहाँ है हाँ भाकरा नंगल डैम तो कहाँ है पंजाब में है तो ये चीज़ तो सबको पता होगा तो नंगल नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है पंजाब में है ओके okay, अब बताओ ब्यास नदी कहाँ बहती है अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा है तो ब्यास तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है तो वो कहाँ बहती है आपके पंजाब में तो नंगल एंड ब्यास ये एकदम सिंपल आपको याद हो गया उसके बाद बताओ सबसे ज़्यादा हरियाली कृषि कहाँ से रिलेटेड है अगर हम फार्मर्स को याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा जगह को याद करते हैं फार्मर्स प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया बट जनरली हम हरियाली ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ याद करते हैं हम पंजाब में याद करते हैं तो हरी हरी के एक हो गया आपका हरी के वेटलैंड ओके हरी के वेटलैंड हो गया आपका फिर पंजाबियों का देखते हैं उनका केश बहुत बड़ा बड़ा रहता है उनका बहुत बड़ा बड़ा बाल रहता है तो उसी से हम याद करेंगे केशोपुर मियामी तो केशोपुर मियामी वेटलैंड आपका कहाँ हो गया ये भी आपका हो गया पंजाब ओके okay? इतना याद हुआ आपको नंगल हमको याद ही होगा ब्यास नदी वहाँ बैठती है हरी हरिया हरियाली कहाँ होती है पंजाब में केशोपुर कहाँ है अब बताओ हरियाली होती है कैसे हरियाली तभी होती है ना जब रोपते हैं हम पौधों को लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा रोपर रोपर रोपना तो रोपर कहाँ का हो जाएगा रोपर इज अगेन आपका पंजाब ठीक है इतना हो गया तो एक इसमें जो है आपको वो याद रखना होगा कंजली ओके ये कंजली आपको याद रखना होगा कंजली वटलैंड इसके लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं मिल पा रहा था तो आप कंजली को कैसे भी करके पंजाब से अटैच करके याद कर लें तो पंजाब हो गया हमारा नेक्स्ट हम जाते हैं एम में टोटल कितना हुआ है या बस सिक्स एम में हमारा बस एक ही है अभी भोज मूवी आई थी ना शायद एक मूवी आई थी भोज ठीक है तो एम पी में हमारा है भोज वेटलैंड ओके तो आ, कैसे आ, बोलते हैं ना कहाँ राजा भोज या फिर ऐसे कहाँ राजा भोज करके आप याद कर सकते हैं तो कहाँ राजा भोज एम पी का लोकेशन कहाँ होता है देखो एकदम इंडिया के मिडिल में होता है तो मिडिल में एम है ना मिडिल भोज तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे और थोड़ा बहुत अगर आपको आ, लोकेशन पता होगा ना भोज इज़ अ प्लेस आल्सो इन एमपी तो आपको आसानी से ये हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हमारा है बिहार ठीक है अभी बोलते हैं ना खबर कहाँ से आई खबर आपकी बाहर से आई खबर ठीक है तो कबरताल कबरताल वेटलैंड ये आपकी बिहार की है वो कहाँ है कबरताल बिहार में है नेक्स्ट आपका जो लोकेशन है ये आप इसमें वन मार्क कर दीजिए ठीक है आई होप सो क्लियर होते जा रहा है सिंपल सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताते जा रही हूँ नेक्स्ट आपका जो है असम ओके okay? असम का बहुत सिंपल है अगर आपने देवपर बील के बारे में सुना होगा तो इसको कुछ ऐसे खास याद करवाने की जरूरत नहीं है असम नॉर्थ ईस्ट का सिंपल सिंपल एक एक है मणिपुर का लोक तक लेक बहुत फेमस है फ्लोटिंग फूम के लिए लोक तक लेक तो मणिपुर का लोक तक लेक हो गया आपका ठीक है त्रिपुरा 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 का आपका रुद्र सागर लेक ठीक है तो रुद्र किसको बोलते हैं रुद्र शिव भगवान को बोलते हैं ना और शिव भगवान कैसे होते हैं हाँ त्रिनेत्र होता है ना शिव भगवान का त्रिनेत्र तो त्रिनेत्र से क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा है ना त्रिनेत्र से आपका हो गया त्रिपुरा तो रुद्र रुद्र सागर रुद्र मतलब शिव भगवान तो वैसे करके आप इसको त्रिपुरा से कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपको टोटल मिला करके हो गया तीन, ओके, okay. नेक्स्ट है हमारा हरियाणा ओके, okay. ओके, oh, okay. हरियाणा, हरियाणा तो हर्याना में दो है हमारा साइट, एक है आपका सुल्तानपुर और एक है भिंडवास तो सुल्तान मतलब क्या होता है सुल्तान मतलब किंग होता है ना सुल सुल्तानपुर तो सुल्तान आप देखते हो ना कि हरियाणा में कैसे एकदम हट्टे कट्टे से वैसे लोग रहते हैं ठीक है ना बोलते है ना बोलते हरियाणा में हरियाणा हरियाणा की वैसे टाइप का तो एक सुल्तान है में ठीक है जो बोलते ना भिड़वा देता है लोगों को पहले क्या होता था ना कि सुल्तान लोग लोगों को ऐसे लड़वा करके भिड़वा करके देखते थे बैठ करके वहां पे फाइटिंग तो भिंडवास भिड़वा देना से आपका भिंडवास हो जाएगा तो ये आपका जो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी हरियाणा में है तो हरियाणा से आप सुल्तान याद रखेंगे और भिंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे एंड देन आपका होता है राजस्थान भी राजस्थान का तो एकदम सिंपल है दोस्तों सांबर लेक है ना सा लोकेशन आपको पता होगा राजस्थान में और ये भी केला देव भी एक नेशनल पार्क ही है केला देव तो ये भी आपका सिंपल ही है अगर नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा तो राजस्थान का आई डोंट थिंक सो यू नीटर ट्रिक ट्रिक तो हो गया तो कितना हो गया दो चार फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन एंड यहाँ पे हमारा सिक्स फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन अब हमारा एक जो बड़ा सा बचा हुआ है वो है हमारा यूपी ओके अब हम करेंगे यूपी का यूपी में टोटल कितने साइड्स हैं टोटल एट साइड्स हैं ठीक है तो हम यूपी को देखेंगे कि कौन कौन सा एट सा एट साइड्स है हमारा यूपी का ठीक है तो सबसे पहले यूपी कहाँ ना अप है ना तो अप से आपका बन जाएगा अपर ओके अप से आपका हो गया अपर और गंगा कहाँ बहती है गंगा थोड़ा यूपी में बहती है तो अपर गंगा वैली ये हो गया आपका यूपी का नेक्स्ट आपकी होती है पार्वती अरगा तो अरगा से आप आगरा कर लो ठीक है आगरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में है तो पर्वती अरगा ठीक है हो गया फिर है आपका नवाबगंज तो नवाबगंज आपका नवाब बोलते हैं ना नवाब नवाबों का शहर नवाबों का शहर कहाँ है लखनऊ वो कहाँ है यूपी में तो नवाबगंज भी आपका यूपी हो गया फिर आपको समन समस्पुर संडी सरसई सूर सरोवर इतना याद करना है इसको आप एस फाइव करके याद कर सकते हैं ये एक बार में बोलो समन समजपुर संडी सुरसई सूर, सरोवर समन समस संडी सुरसई सूर, सरोवर सूर सरोवर सूर सरोवर कहाँ है आपका यूपी में समन है समसपुर है संडी है सांड संडी सुरसई तो ये आपका टोटल आठ हो गया यहाँ पे नेक्स्ट आपका एक और यहाँ पे मैंने मिस किया है वो है उत्तराखंड ओके okay? उत्तराखंड का आसान है ओके okay? असन बोलते हैं ना असन कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका कंजर्वेशन रिजर्व तो इसको आप कैसे याद करेंगे उतरना आसान है तो इससे आपका हो गया क्या असन कंजर्वेशन रिजर्व उतरना आसान है तो आसान हो गया ओके okay. बंगाल हमने नहीं किया है बंगाल में आपका दो साइड है सुंदरबंश तो दोस्तों आपको पता ही होगा बंगाल में है और ये सबसे लार्जेस्ट भी है तो और सबसे मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स जो है वो यहाँ पे है टोटल एट साइट्स होती है यहाँ पे तो सुंदरबन आपका लार्जेस्ट हो गया मैं ये यूपी के बारे में बात कर रही थी सुंदरबन आपका बंगाल में हो गया और ईस्ट कोलकाता अब कोलकाता कहाँ है बंगाल में इसको इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है क्या बिल्कुल नहीं दोस्तों इसके लिए तो कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है ओके अब है हमारा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ना आप बहुत बार न्यूज़ में पढ़े होंगे ना लोनार लेक ठीक है तो लोनार लेक आप बहुत बार न्यूज़ में सुने होंगे तो देखो लोनार से लोनार होता है लो लोनार एंड एन, एन से आप एक नंदूर याद कर लेंगे नंदूर तो लोनार से ही दोनों हो जाएगा है ना लोना लोना लोनार से आपका लोनार हो गया एंड एन एन ए से आप याद करेंगे नंदूर महामहेश्वर तो ये नंदूर नंदूर आप याद कर लेंगे कहाँ है ये आपका महाराष्ट्र में तो ये आपका कितना हो गया दो यहाँ हो गया दो यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया और एट तो हमने यहाँ लिख रखा है ओके अब हमारा आई थिंक एक और बज गया है जो हमारा है गुजरात ठीक है तो गुजरात के लिए गुजरात के लिए ऐसा कुछ बना नहीं है ट्रिक एक थोल है एक नल सरोवर दोस्तों याद आया आपको हमने न, सरोवर हमने सुर सरोवर पढ़ा था समस है ना समन्न समसपुर संडी है ना सुर सरोवर तो सुर सरोवर जो है ना आपका वो यूपी में है लेकिन जो नल सरोवर है ना जैसे सरदार सरोवर डैम तो नल सरोवर है ना तो नल सरोवर आपका गुजरात में है तो नल नल किस चीज़ से रिलेटेड होता है पानी से ना और गुजरात ही तो वो गुजरात ही तो है ना जो पानी से रिलेटेड है तो आपको कभी भी नल सरोवर और सूर सरोवर में कन्फ्यूजन आएगा तो एस एस फाइव से वहाँ आप याद कर लेंगे यूपी है और नल कहाँ है पानी पानी से गुजरात याद करेंगे क्योंकि गुजरात आपका सटा हुआ है क्या ओशियन से तो ओशियन से और एक है आपका वाधवा यहाँ पे ठीक है तो वाह वाह मतलब होता है ना कि वाह मतलब समुंदर दिख रहा है तो वाह 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 क्या खूबसूरत नज़ारा है ठीक है और थोल आपको ऐसे गुजरात से अटैच करना पड़ेगा तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरी थिंग तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं उस चीज़ को वी हैव कवर्ड यूपी एम पी बिहार असम मणिपुर है ना हरियाणा राजस्थान त्रिपुरा सो देखो है ना काउंट करके देखो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट प्लस एट सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी एंड देन फोर्टी टू एंड फोर्टी फाइव वॉट आर यू मिसिंग फ्रेंड्स लाइक आई थिंक सारा तो हो गया बट एक ओके okay, तो थोड़ा काउंटिंग मिस्टेक हो रहा था ना तो हमने टी एन को छोड़ दिया था तमिलनाडु को तमिलनाडु का आपका कौन सा हो गया पॉइंट क्यालेमर नेशनल पार्क एक तमिलनाडु में है पॉइंट क्यालेम है ना ये तमिलनाडु का एक है आपको तमिलनाडु का पॉइंट क्यालेम नेशनल पार्क तो ये आपका टोटल फोर्टी सिक्स हो गया अब ठीक है तो जल्दी से ऐसे ध्यान दे दें आप ठीक है कैसे कैसे मैं ऊपर से जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट देखो केरला का आपका हो गया सेफ अष्टम कोटा वेम्बनाड एंड अष्टमी ले से आपका सो कर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सो कर एंड सो मोरीरी कभी होकर आओ जम्मू एंड कश्मीर वलर लेक देख कर के आओ यहाँ पर एंड जम्मू एंड कश्मीर क्या है हमारा मान है सुरेंद्र सर मानसर हिमाचल प्रदेश में पी सी आर घूम रही है पोंग डैम चंद्रताल एंड रेणुका वेटलैंड रेणुका इज द रेनुकास्ट ठीक रेनुका है फिर भीतर जाकर चिल करके आओ कहाँ ओडिशा में तो आपका ओडिशा से भीतर का निकाय चिलिका हो गया चिलिका आपका फर्स्ट है आंध्र प्रदेश आंधी आई है कोलेरू कोल दोनों ब्लैक ब्लैक होता है सेम कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश पंजाब का मैंने नंगल भाकर नंगल से याद करवाया है बियाज वहाँ पे रिवर है हरित क्रांति हरी के ठीक है केश बड़ा बड़ा केश किसका होता है पंजाबियों का तो केशोपुर मियामी रोपते कहाँ हैं फसल को पंजाब में रोपर और एक कंजली आपको याद रखना मध्य प्रदेश का भोज हो गया ठीक है ना उसके बाद फिर बाहर से खबर आई है बिहार का कब्रताल हो गया असम का दियोपर बिल सिंपल सा है मणिपुर लोक तक लिए फ्लोट, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग फुमडे आप पढ़ते ही हैं त्रिपुरा का रुद्र सागर रुद्र कौन है शिव भगवान शिव भगवान का क्या है त्रिनेत्र तीन आंख ना तो त्रिपुरा हरियाणा में एक सुल्तान है वो लोगों को भिड़वाता है ठीक है तो सुल्तानपुर भिंडवास हरियाणा राजस्थान का सांबर लेक बहुत फेमस है वहाँ का और केवला देव नेशनल पार्क आपने नेशनल पार्क में पढ़ा होगा यूपी का एट है जिसमें एस फाइव में समन समस्पुर संडी सुरसे सुरसई सरसई सुर सरोवर एंड यूपी से अपर गंगा पार्वती अरगा आगरा से आप यूपी याद करेंगे नवाबगंज आप लखनऊ से यूपी याद करेंगे उतरना आसान है तो आसान कहाँ है उत्तराखंड में बंगाल में सुंदरबन जो सबसे लार्जेस्ट आपका और एक ईस्ट कोलकाता महाराष्ट्र में लोनार लेक आप क्रेटर से फॉर्म हुआ था ये लेक ये पता होगा तो ये लो से लोनार हो गया एन ए से आपका नंदूर हो गया गुजरात में मैंने बोला ना कि नल पानी क्या ना अगर सूर सरोवर आपका यूपी में है तो नल सरोवर आपका कहाँ है नल सरोवर आपका गुजरात में है एंड थोल आपको याद करना होगा और वादवा बहुत बढ़िया मतलब ओशन दिखता है ना तो वादवा और तमिलनाडु का पॉइंट कैलेमर आप एक के, इस चीज़ को रट लीजिए तो आई होप सो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा सेशन के पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स ओके लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है अगर आपको कोई भी डाउट है आपके प्रिपरेशन के लिए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप हमें यहाँ पे स्वेवन लर्नर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके गाइज थैंक यू आई होप सो यू गाइज इन्जॉय द सेशन बाय अ गुड डे टेक केयर कीप स्माइलिंग